बच्चों किसी भी नंबर में जो डिजिट होते हैं उनके वैल्यूज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फेस वैल्यू, जिसको हमने इसके पहले के वीडियो में देखा। आज इस वीडियो में हम दूसरे प्रकार के वैल्यू, यानी जिसे हम प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और प्लेस वैल्यू को निकालना अच्छी तरह से सीखिए। बच्चों प्लेस वैल्यू यानी जिसे स्थानीय मान या जाति मान कहते हैं, इसको समझने के लिए हम जो पहला एग्जांपल लिए थे आपके फेस वैल्यू में, वही लेते हैं 1 और 2 यानी 12। अब इस 12 को हम लिखते कैसे हैं, 10 और 2 कहते हैं, मीन्स ये होता है 10 के बराबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये होता है 2, यानी 10 + 2 हो जाता है 12। यानी इसका जो आपने देखा वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है और इसका है 2 के बराबर। अब इसी को अगर हम पलट दें, अगर इसको हम 2 और 1 कर दें, तो बच्चों ये हो जाता है 21, यानी इस ये हो जाता है 20 के बराबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 और ये इसका हो जाता है 1। तो बच्चों हमने देखा कि जो इसका पूरा वैल्यू है, अलग अलग नंबरों का अपना एक वैल्यू होता है। जैसे हमने एग्जांपल में बताया था कि आपके डैडी या पापा जब नौकरी करने जाते हैं तो उनकी वैल्यू वहाँ दूसरी होती है, घर में वो वैल्यू दूसरी होती है, फेस उनका सेम रहता है। बच्चों प्लेस वैल्यू को जानने के लिए मैथमेटिक्स में एक थंब रूल होता है। थंब रूल मीन्स एक निश्चित नियम है, इसको आप सब लोग अच्छे से याद कर डालेंगे, आप आसानी से किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अभी हम संख्या नहीं लिख रहे हैं, एक संकेत लिख रहे हैं। किसी भी संख्या को लिखते वक्त आप राइट हैंड साइड से चलिएगा। जैसे ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा नंबर हो गया, ये पांचवा नंबर हो गया। अब अगर ये नंबर रहता तो इसको प्लेस वैल्यू में कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर में। जैसे ये मान लीजिए 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्लेस वैल्यू में जो राइट हैंड साइड से पहला नंबर होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 और हिंदी में बोलते हैं इकाई। यानी इस जगह राइट हैंड साइड का जो पहला नंबर होता है वो कोई भी संख्या हो वो एक बार उसको माना जाता है। जैसे यहाँ 3 है तो इसका नंबर हो गया 3, ठीक है। इसका वैल्यू होता है किसी भी संख्या का गुणे 1। बच्चों राइट हैंड साइड से जो दूसरा नंबर होता है उसको कहते हैं 10। हिंदी में इसको बोलते हैं दहाई। और इसका जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है इनटू मल्टीप्लाई बाय 10, जो भी नंबर होता है, यानी जो भी नंबर होता है मल्टीप्लाई बाय 10, उसके उसका 10 में गुणा कर देंगे, इसकी प्लेस वैल्यू आपको निकल जाएगी। तीसरे नंबर पे राइट हैंड साइड से 1, 2, 3 जो थर्ड नंबर पे होता है उसको कहते हैं 100।
हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा सैकड़ा। और इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है नंबर इनटू 100। जो राइट हैंड साइड से फोर्थ यानी अगले, इधर से जब आप नंबर्स को गिनना शुरू करेंगे तो जो चौथे नंबर पे होता है वो होता है 1000, THOUSAND, 1000, THOUSAND, इसको कहते हैं हजार। इसका प्लेस वैल्यू होता है नंबर इनटू 1000। जो पांचवें नंबर पे होता है वो होता है 10000, इसको कहते हैं 10000, 10 TEN 1000 THOUSAND 1000। हिंदी में इसको बोलते हैं 10000। और इसका जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है नंबर इनटू 10000। इसके बाद वाला जो नंबर होता है वो होता है लाख, LACK, लाख। इसको बोलते हैं हिंदी में लाख। इसका जो प्लेस वैल्यू होता है इनटू नंबर इनटू 1 लाख, प्लेस वैल्यू ये होती है। अब इसको आगे हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू निकालने का और भी सरल तरीका होता है। इसके बाद जो होता है यानी 1 2 3 4 5 6 सेवन नंबर पे जो नंबर होता है उसे कहते हैं 10 लाख, 10 लाख, LACK, 10 लाख। इसको हिंदी बोलते हैं 10 लाख, 10 लाख। इसकी प्लेस वैल्यू होती है इनटू 10 लाख। इसके बाद वाला जो नंबर होता है उसे कहते हैं करोड़, CAROR, इसको हिंदी में बोलते हैं करोड़। और इसका प्लेस वैल्यू होता है इनटू 1 करोड़। इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे, पूरी तरह आपको याद होना चाहिए। 1, 10, 100, 10,000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh, 1 crore, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अभी आप इतना याद करिए, फिर अगले वीडियो में हम इससे ज्यादा भी संख्याओं के बारे में बताएंगे। फिर से एक बार दोहरा लीजिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh, 1 crore, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बच्चों एक सिंपल सा उदाहरण जो पहला हमने लिया था 1, 2 का फेस वैल्यू में, उसका एग्जांपल यहां भी लेते हैं 1, 2। हमने आपको बच्चों ऊपर बताया, आपने लिख लिया होगा। अब अपनी कॉपी में देखिए राइट हैंड साइड यानी
दाहिनी तरफ से जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं वन या इकाई। या अब इसका प्लेस वैल्यू निकालना हो तो दिस नंबर इंटू वन, हमने नीचे लिखाया था कि टू इंटू वन, यानी हो जाएगा आपका टू, जो पहला होता है राइट हैंड साइड का उसका प्लेस वैल्यू टू ही होगा। अब सेकेंड वाले का हो जाएगा आपका वन इंटू टेन, यानी प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन। अब इसका एक सिंपल सा तरीका हम देखते हैं, जो इकाई पे होता है यानी जो वंस पे होता है उसका प्लेस वैल्यू वही नंबर होता है। जैसे यहां अगर फोर रहता तो उसका प्लेस वैल्यू हो जाता फोर, एट रहता तो एट। अब इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे नंबर होता है उसका प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हम वो नंबर लिखते हैं और इसके आगे जितना जगह छूटता जाता है, जैसे ये यहाँ हो गया, इसके बाद ये एक छूटा है तो हम एक जीरो लगा देते हैं, एक और जीरो, एक जीरो लगा देते हैं। अब इससे हम बड़ी एक संख्या लेते हैं उसका प्लेस वैल्यू निकाल के देखते हैं, जैसे सेवन नाइन एट, 798 इसको बोलते हैं। अब इसमें 8, 9 और 7 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक सिंपल तरीका आप लोग सीख लीजिए, इसको हमेशा याद रखिएगा और ये आपको इस्तेमाल होगा आगे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसका प्लेस वैल्यू हो गया 8 का, तो हमने अभी बताया आपको ऊपर कि जो राइट हैंड साइड का पहला नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू सेम वही नंबर होती है 8। ठीक, अब 9 का, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप 9 लिखेंगे। ठीक, अब इस 9 के आगे कितना प्लेस बचा है, केवल एक है नंबर, 9 के आगे कितना नंबर है, एक नंबर है, तो आप उतना जीरो लिख देंगे। 9 लिखने के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है इसके आगे, तो जीरो। 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 90 यानी 90। अब 7 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले आप 7 लिखेंगे। ठीक, अब इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2, तो आप 20 लिख देंगे। ये 7 की प्लेस वैल्यू हो गई आपकी। अब 4 डिजिट का एक नंबर लेते हैं उसमें प्लेस वैल्यू देखते हैं, जैसे 6 3 9 and 2। आपको हमने बताया था राइट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करेंगे 1 10 100 and 1000, तो मींस 2 1s 9 10s 300 and 6000। अब नंबर को पढ़ते जब हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड से उसको पढ़ते हैं और जो प्लेस वैल्यू देखते हैं तो राइट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा 6392। इसको एक साथ बोलते हैं 92, और इधर से 1 10 100 and 1000। अब जितने नंबर हैं उतना 100 उतना 1000 हो जाएगा, ये 9 10 means 90 और ये 2 1। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखने के लिए करेंगे क्या, इसका हमने आपको बताया सेम टू सेम वही नंबर लिख देंगे 2। अब जो राइट हैंड साइड से सेकेंड नंबर पे होता है वो पहले नंबर लिखेंगे हम 9 और इसके आगे जितना डिजिट है, यहाँ केवल एक डिजिट है 2, तो 10 लिख देंगे, उस डिजिट के बदले 0 लिख देंगे, तो ये 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 90। अब 3 की प्लेस वैल्यू 3, इसके आगे कितना डिजिट है 1 digit 2 digit, तो 20 लगा देंगे, ये 3 की प्लेस वैल्यू हो गई। इसी तरह 6 का देखेंगे, पहले 6 लिखेंगे
फिर इसके आगे कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट हैं, इसके आगे 3 संख्या है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 ये इसका 6 का प्लेस वैल्यू हो गया। बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर सेम डिजिट एक बार से ज्यादा हो तो जैसे 4, 6, 9, 4, 3। अब इसमें सभी डिजिट के प्लेस वैल्यू क्या होंगे, जैसे 3 का प्लेस वैल्यू अगर आपको बताना हो तो 3 का क्या होगा, चूंकि फर्स्ट इकाई पे है, वंस पे है, तो इसका क्या होगा, सेम टू सेम 3। 4 का क्या होगा, 4 जो फर्स्ट 4 है वो किस जगह पे है, वंस, टेंस, टेंस के जगह पे, इसका प्लेस क्या है, टेंस है, दहाई है, और इसके आगे कितना डिजिट बट है, 1 डिजिट है, तो 10, इसका कितना हो गया, 40, यानी इसे कहते हैं 40। ये 4 की पहली प्लेस वैल्यू, यहां 24 है। 9 का अब उसी तरह हो जाएगा, 9 1, 2 डिजिट है तो 2, ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। 6 1, 2, 3 डिजिट है इसके आगे, 1, 2, 3। अब 4 सेम संख्या लिखेंगे, इसके आगे कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, तो 40 लगा देंगे, 1, 2, 3, 4। अब आपके अगर क्वेश्चन में हो कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन दिस नंबर, यानी इस संख्या में जो 4 अंक है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, आपका आंसर होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 आर, दो प्लेस वैल्यू है 40 and 40,000, आर 40 and एक ये लिख देंगे और इसको लिख देंगे 4, यानी यहां 4 की दो प्लेस वैल्यू है, ये और ये, एक आपका ये हो गया प्लेस वैल्यू 4 की और एक ये हो गया। बच्चों आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम में नंबर के, किसी भी नंबर के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को सीखा। इसको आप अच्छे से लिखिए और उसको बार बार अभ्यास करके पूरी तरह तैयार कर डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।